भगत लोग मंत्र पढ़ रहे हैं और डॉक्टर लोग नबर देख रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं राधा के ऊपर। वो भगत जो है काली काली कहने लगे, वहां खरक में पानी ले करके लोटा में ओ काली काली कहने लगे, और बैठे बैठे वो बैठ राज मन अपने वो कहने लगे। कोई धार रहो है, कोई नबज देख रहो है, लेकिन राधा को कोई असर नहीं, कोई बीमारी नहीं पता चल रही है बहनों को। वो दशा है हैरान है, मन में विचार कर रहे हैं कि कोई बीमारी तो नजर नहीं आ रही, लेकिन ये राधा इसके बीमारी कौन है। अब कीर्ति मन में सोच रही, लगता है अब राधा हमारी ठीक नहीं होने वाली। तो ललिता आगे बढ़ी है, बोली मैया एक बात तो हमारी समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है तुम्हारे, क्या बात समझ में आ रही? ललिता बोले हमें पता है कि राधा को एक ही वैद्य ठीक कर सकता है। बोले कौन? बोले हमें पता है, हम बाकी घर को जाने, परिवार को जाने, कुर्मा को जाने, खानदान को जाने, हम सब को जाने, पर नाग को हम ही ला सकते हैं जो राधा को डसकी गो है। तो कीर्ति बोली जा ललिता तुम्हें ही ढूंढ के ला। अब चली है वो ललिता माँ यशोदा के घर पे जाके मिली और यशोदा मैया से बोली मैया तुम्हें पता है कल जो राधा तुम्हारे घर आई थी उन्हें कोई सर्प डस के चला गया। जो यशोदा ने ये शब्द सुने तो बोले राधा अरे वो तो बड़ा सुंदर लड़की है, काऊ को वैद्य को दिखाओ, ऐ काऊ ऐ भगत को दिखाओ। बोले मैया वैद्य उगाए हैं भगत उगाए हैं लेकर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो बोले फिर यहाँ क्यों आई? अरे जल्दी से जाओ किसी अच्छे डॉक्टर को बुला के ला। बोले मैया सब कुछ कर लिया लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर तो बोली मैया कन्हैया कहाँ है? बोले उनका क्या करोगी? बोले कन्हैया इस बीमारी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो यशोदा बोली कन्हैया कौन सी भगत ही कतर है जो बीमारी जानता है? बोले मैया तो ही नहीं मालूम, वो गाय चरात चरात इतनी जड़ी बूटी है उनका ज्ञान हो गया है, वो राधा को जरूर ठीक कर लेंगे। अब कन्हैया को बुलाओगे और जब कन्हैया को बुलाओ तो कन्हैया की तरफ देख के यशोदा बोली श्याम एक बात बता, जे तुमने जे भगत ही कब से सीख ली? बोली मैया हमें खूब अच्छी तरह से पता है कितो बड़ो नाग हो, कितो जहरीली नाग हो, या तुरंत ठीक कर दे। तो ललिता बोली मैया तुम काना को जो बारह समझ रही हो ना, ये बारह थोड़ी है। बोले कौन है? तो बोली वो ललिता की बारो अब इधर यशोदा जब कन्हैया को बोली है कि जाओ श्याम तुम जल्दी से जाओ तुम्हें ठीक करे आप, तो ललिता से और माँ यशोदा से भगवान बोले मैया आज सुबह से ऐसा लगतो है कि हमें कोई दो तीर से आते हैं, हमारी आंखें हमें चुभ रहे हैं।
सुबह से हम बड़ा परेशान है। तो ललिता बोली, कन्हैया जा बीमारी को इलाज राधा खूब अच्छी तरह से जानते, तुम एक काम करो, तुम राधा को ठीक करो, राधा तुम्हें ठीक करे, अब मरीज मरीज की दवा करेगा। अब चले हैं भगवान, पहुंचे जहां कीर्ति मैया, गांव के लोग सब इकट्ठे हैं रो रहे। तो अब भगवान बैठ तो गए, वैद्य लोग अलग अलग बैठे हैं, तो मन में सोचन लगे, हमने तो कम भगत ही नहीं करिए, हम जेव नहीं जानते मंत्र कैसे पढ़ू जाता। भगत लोग तो बड़े बड़े मंत्र जानते हैं, बड़े बड़े मंत्र कहते हैं, लेकिन हमने तो आज तक कब कोई बात नहीं सुनी, हम जानते नहीं कहा करें। तो ललिता बोली, कन्हैया सोच क्या रहे हो, बोले ना चीज की कमी हुई तो हमें बता। भगवान बोले, ललिता वैसे अब कमी एक काम करो, पहले नीम की तुम लहरिया टोरी खिला, अब लहरिया टोरवाएंगे। ललिता बोली, अब काय की कमी है। तो भगवान बोले, अब कमी तो अब काव की काम करो, एक लोटा में पानी और भर ला, पानी मंगवाओगे। बोले, अब का कमी है। बोले, अब कमी एक काम करो, थोड़ो कपूर और ले आओ। अब भगवान भगत वाला सामान इकट्ठा करवाने लगे, कपूर मंगवाओगे। बोले, अब का कमी है। बोले, अब कमी कोई नहीं, ललिता अब तो सब ठीक है, अब कोई कमी ना। एक काम करो, थोड़ो सो चावल और बाई में थोड़ी सी तिलक को सामान और ले आओ। अब सब सामान इकट्ठा कराओगे। अब भगवान सामान आके रख के सोचने लगे, अब हम मंत्र कौन से पढ़े, हम तो जानते का झुना है। तो भगवान ने एक चाल चली, वहां का चाल चली भगवान एक बात बोले, देखो जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो हमारे मंत्र को जो सुनते है वो आंखन से पैर, वो कानन से पैर हो जात, और जो हमें मंत्र पढ़ते देखते वो अंधो हो जात। तो एक काम करो, तुम सब लोग चले जाओ। तो ललिता बोली, चाहे सब चले जाए, लेकिन हम चाहे अंधे हो जाए चाहे बहरे हो जाए, हम तो नहीं जाएंगे। अब भगवान मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हो गए वहां, और बोले का बोले काली काली देव ताली प्याली चनाऊ तो पेरी और दिया गलिया गनाऊ तो। अब भगवान मंत्र पढ़ना शुरू हो गए, कोई मंत्र समझ में नहीं पा रहा है। ललिता बैठी बैठी सोच रही है कौन सा मंत्र है। भगवान बोले, काली काली देव काली प्याली चला तो पे नीला हरा और दिया गड़िया गला तो काले ने खाओ का रोई जा रे मैं ना जानू तो उठ के सियर मेरे काय को रहे तुम सो। अरे फिरी नाम कही रही काय को रही राधा सोए। अरे फिरी नाम कही रही काय को रही है राधा सोए। भगवान जब मंत्र पढ़े और राधा के कान में धीरे से गई, अब बेइज्जती करवाए दिए, कोठी के बैठी जाओ राधा। और जो कन्हैया की आवाज सुनी, राधा उठ करके खड़ी हो गई। तो राधा को जब उठता हुआ देखा तो भगवान बोले, ना लेटी जाओ, इतनी जल्दी मत उठो ना, समा पुल पट्टी खोली धरी है। अब भगवान जो है वो राधा को पूछने लगे, राधा एक बात हमें बता। क्या? तो बोले भगवान, प्रभु ने पूछा कैसी तबीयत, तो राधा बोली तुम्हें जानो। पार ने पूछा दर्द का बिटिया बोली तुम्हें जानो। Oh!
मतलब ये श्रोता बंधु, इधर तो भगवान जब राधा को समझाने लगे और एक बात कहिए चलते भक्त राधा, जो आज हमने तुम्हारा स्नेह देखा है, प्रेम देखा है, तो हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि जो लक्ष्मी और सीता जी का स्थान है आज के बाद वही स्थान तुम्हें मिलेगा और उन दोनों की तरह तुम्हारी भी पूजा होगी। इधर भगवान वृंदावन को चले आए हैं और राधा जो है वो बरसाने के लिए चली गई है बाहर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।